अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी, केसर के साथ हम ये शीर खुरमा बनाएंगे, केसरी शीर खुरमा, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको मिलेगा। बेहद आसान तरीके से हम बनाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी शीर खुरमा बनाने में, और एकदम परफेक्ट सा आपका शीर खुरमा जो है ना वो बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा केसर वाला शीर खुरमा की ये रेसिपी, जो आप आसानी से बना लेंगे और साथ में इस तरह से गार्निश कर लीजिएगा थोड़े से रोज़ पेटल और केसर के साथ। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रोस्टेड वर्मिसली ली है, और इसे अब हम पैकेट में से निकाल लेंगे। तो ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो मुझे आधी ही इसमें से इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो बस इसमें से हम 100 ग्राम जो सेवैयाँ हैं वो निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, और यहाँ पर इसे हम तोड़ लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमें ये थोड़ी थोड़ी तोड़ लेना है। मैं रोस्टेड इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसे ज़्यादा भुनना नहीं पड़ता, ये जल्दी भुन जाती है। तो ये हमने सेवैयाँ निकाल दी। उसके बाद 1 लीटर दूध मैंने गर्म करने रख दिया है, और दूध को देखिए मैंने गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम अभी मैंने लो कर दी है। तो इसमें हम डाल देंगे केसर की पत्तियाँ। तो 20 से 25 हम केसर की पत्तियाँ इसमें डाल देंगे। इससे हमारा जो दूध है ना वो बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, और साथ ही साथ दूध में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं इसमें केसर की पत्तियाँ, मिला लेंगे। और अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए बस इसी तरीके से लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जब दूध में गरम जब ये केसर मिलेगा ना, तो देखिए इस तरह से वो कलर निकलने लगेगा। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर दूध का हो चुका है। तो बस अब हम इसे रख देंगे साइड में। और रानिया यूथ गोल्ड स्किन केयर के प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ 2 प्रोडक्ट, तो मैं आज आपके साथ और 2 प्रोडक्ट शेयर करूँगी, जो ईद पर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज ये पहला प्रोडक्ट है लिफ्टिंग डे क्रीम, रिच नॉन ग्रीजी डेली मॉइस्चराइजर, जो फास्ट एब्जॉर्ब होता है ये स्किन में। वेटलेस एंड वेलवेट स्मूथ स्किन दिखेगी इससे। नेचुरल ग्लो के साथ ये प्रोडक्ट जो है ना, हार्मफुल टैनिंग इफेक्ट ऑफ यूवीए, यूवीबी और इंफ्रारेड आयर रश से आपको प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग दिखेगी। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट जो मैंने आज आपके साथ बताया है। इसकी सारी जो डिटेल्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट है लिफ्टिंग नाइट रेजुविनेटिंग क्रीम, इसमें है गोल्डन सी सुपर एंटीऑक्सीडेंट, जो स्किन को इम्प्रूव करेगा, सपल और लिफ्टेड स्किन देगा। इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, विंकल्स भी इससे दूर होंगे। तो ये है नाइट क्रीम, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये सारे प्रोडक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर से इसे चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो चलिए अब शीर खुरमा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून देसी घी। उसमें हम डाल देंगे ये रोस्टेड वर्मिसली जो हमने तोड़ ली थी, और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा कलर डार्क होने देंगे, क्योंकि ये रोस्टेड है तो इसे ज़्यादा हमें घी में फ्राई करना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर करिएगा, नहीं तो ये जलने लग जाएगी। तो ये देखिए हल्का सा कलर मैंने डार्क कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो चलिए इसमें डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और चारोली ले ली है। तो चलिए ये ड्राई फ्रूट्स भी इसमें हम ऐड कर देते हैं, और इसे भी हम घी में भून लेते हैं सेवैयों के साथ। बस ज़्यादा हमें भुनना नहीं है ड्राई फ्रूट्स को भी। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को सेवैयों के साथ भी भून लेंगे। ये देखिए अब ये एकदम परफेक्ट भुन चुकी है। तो चलिए डाल देते हैं जो हमने दूध गर्म कर लिया था केसर वाला, वो दूध वाला केसर हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा हमने इसमें ऐड कर दिया, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसे मिला देंगे इस तरह से। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे शक्कर भी ऐड करना है, तो मैंने इसमें डाल दिए है 1/4 कप शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शक्कर कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत अच्छी सी खुशबू आपके शीर खुरमे में आ जाएगी, तो ज़रूर से ज़रूर इलायची पाउडर आप ऐड कीजिएगा। मिक्स करेंगे, साथ में हम इसमें रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे। बहुत लोग पसंद करते हैं खुशबू वाला, तो आप इसमें चाहें तो केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जितना मैंने ऐड कर दिया है रोज़ वाटर, और ये रोज़ वाटर से भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी शीर खुरमे में। और ये मैंने पका लिया है इसे 5 से 6 मिनट के लो फ्लेम पर। ये देखिए अब ये जो है वर्मिसली है ना वो बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, और ये हमारा शीर कुरमा भी पक चुका है दूध के साथ, और ये अब तैयार है बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो देखिए कितने आसानी से हमने ये शीर कुरमा की रेसिपी बना दी। तो आप भी इस तरीके से ईद पर ये शीर कुरमा की रेसिपी ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। ऐसी शीर कुरमा की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आसानी से बनने वाली, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है ये शीर कुरमा, जो ईद में सभी को पसंद आता है, बच्चों
बच्चों हो या बड़ों हो, दोनों को पसंद आने वाला ऐसा शीरखुरमा जिसे आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने थोड़ा सा गार्निश इसे कर लिया है रोज़ पेटल्स के साथ भी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।